लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए भी दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर एक होड़ प्रत्याशियों के बीच शुरू हो गई है। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन जब तक सीटों का आरक्षण नहीं हो जाता तब तक किसी भी बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। वहीं शहर में पोस्टर्स को लेकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने पोस्टरों को हटाने का काम शुरू करवा दिया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो विपक्षी दलों ने अपना जो है किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी तरह का उनमें उत्साह नहीं है। तो जाहिर है कि लोकसभा में किसी तरह का विपक्षी दल द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा। जहाँ तक निकायों की चुनाव की बात है, उसके लिए लोगों में उत्साह है, पर जब तक आरक्षण सीटों का नहीं आए तब तक किसी भी बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले आरक्षण आएगा, फिर महिला पुरुष का भी एक मैटर होता है, तो किस तरह की सीट आती है उसके बाद ही उसमें बात की जा सकती है। में भी नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल सरकारी संपत्ति पर कुछ पोस्टर बैनर फ्लैक्सिया वगैरह लगाई गई हैं, तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उनको हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, जिन लोगों ने फ्लैक्सी वगैरह लगाई हैं उनको भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है।